गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, एंड उसके अंदर भी हम लोगों ने थर्ड क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था. थर्ड क्लासिफिकेशन था आपका, फर्स्ट तो था आपका ओएच ग्रुप की संख्या के आधार पर. ओएच ग्रुप की संख्या के आधार पर जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे, सॉरी जो अल्कोहल्स होंगे, वो थ्री टाइप्स के होंगे. फर्स्ट होगा आपका मोनोहाइड्रिक, सॉरी फाइव टाइप के होंगे, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक. ठीक है, फोर टाइप के ये होंगे ओएच ग्रुप की संख्या के आधार पर. देन इसके बाद हम लोगों ने देखा था कार्बन की नेचर के आधार पर. कार्बन की नेचर के आधार पर हमने देखा था 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल. 4 डिग्री अल्कोहल नहीं होता है. ठीक है, देन इसके बाद हमने देखा था ओएच ग्रुप से जुड़े हुए हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर. हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर थ्री टाइप्स के थे. फर्स्ट था आपका एल्केनोल, सेकंड था एल्कीनोल और थर्ड था एल्काइनोल. ओके, और आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का नामांकरण कैसे किया जाता है. ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक होगा नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का नामकरण. ये हमारा टॉपिक होगा. इससे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ लिया है. देखिए, किसी का भी नॉमेनक्लेचर हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे ईस्टर ग्रुप हो, चाहे वो कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, उसके अंदर थ्री टाइप से नॉमेनक्लेचर हो सकता है. थ्री सिस्टम है जो केमिस्ट्री है, उसके अंदर थ्री सिस्टम होते हैं नॉमेनक्लेचर के. फर्स्ट होगा रूट नाम पद्धति, सेकंड होगा व्युत्पन्न पद्धति और थर्ड होगा आईयूपीएसी पद्धति. रूट पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर, एंड व्युत्पन्न को बोलते हैं डिराइव्ड नॉमेनक्लेचर, और आईयूपीएसी को आईयूपीएसी ही बोलते हैं. ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर के, अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर के भी कितने सिस्टम्स होंगे? थ्री सिस्टम होंगे. फर्स्ट सिस्टम होगा ट्राइवियल सिस्टम, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे रूट नाम पद्धति या फिर रूट पद्धति. नेम को हटा दीजिए, रूट पद्धति. एंड जो सेकंड नंबर होगा, सेकंड सिस्टम होगा जिसके अंदर हम अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, वो होगा आपका डिराइव्ड सिस्टम. इसे हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति. ओके, इसके बाद में थर्ड सिस्टम होगा हमारा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नामकरण. इन तीन सिस्टम से हम लोग क्या कर सकते हैं? नामकरण कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हमारा भी अपना नाम रखते हैं जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वैसे ही इसके अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर, मतलब कि कोई भी पढ़ा है, चाहे मैं पढ़ाऊँ, चाहे वो कहीं पे भी किसी भी कोई और पर्सन पढ़ा है या किसी भी लोकेशन पे पढ़ा है, तो हमें मतलब एक यूनिवर्सल नाम आ जाए उसका, एक यूनिक नेम आ जाए उसका. ठीक है, जैसे सी एच थ्री ओ एच लिख दिया. ठीक है, अब इसे रूट नाम पद्धति के अंदर क्या बोलेंगे? चाहे वो अमेरिका में बोलिए, चाहे यहाँ बोलिए, चाहे मैं बोलूँ, चाहे कोई और बोले, क्या बोलेंगे? हमेशा मैथिल अल्कोहल. ठीक है, इसीलिए क्या है, नॉमेनक्लेचर की नीड भी पड़ी, आवश्यकता भी पड़ी. डिराइव्ड सिस्टम के अंदर इसे क्या बोलेंगे? कार्बिनोल बोलेंगे. ऐसे ही मैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो इसे क्या बोलेंगे? मैथेनोल बोलेंगे. तो इस टाइप से एक ही कंपाउंड का तीनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नाम हो सकता है, लेकिन रूट नाम पद्धति के अंदर इसका जो नेम यहाँ होगा वही कहीं और होगा. ठीक है, मतलब एक ही नेम होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्राइवियल नॉमेन सिस्टम, देन इसके बाद डिराइव्ड सिस्टम, देन इसके बाद आईयूपीएसी सिस्टम. फर्स्टली हम लोग लेते हैं डिराइव्ड, ये ट्राइवियल सिस्टम, रूट नाम पद्धति. देखिए, इस पद्धति के अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे, उन रूल्स और रेगुलेशंस को हम फॉलो करेंगे. देखिए कैसे,
बहुत आसान हो जाएगा, एल्कोहल का समझ में आ गया, रेडिकल्स बनाना आ गया, तो नोमेनक्लेचर बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग, मैं देख रही हूँ इसके अंदर, सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं हम लोग ट्राइवियल सिस्टम लिख लेते, ये ए है, ट्राइवियल सिस्टम, रूड नाम पद्धति, हिंदी में लिखेंगे रूड पद्धति। अब देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, रूड नाम पद्धति के अंदर किसी भी गिवन फॉर्मूले के, दिए गए फॉर्मूले का नाम लिखने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट वो होगा गिवन कंपाउंड के एल्काइल ग्रुप का नाम लिखना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे, एल्किल। अब वो एल्किल में एल्किल के अंदर हमने 3 टाइप देखे थे, एल्केनोल भी हो सकता है, मतलब एल्किन भी हो सकता है, एल्किन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है। उसके बेसिस पे क्या लिखेंगे, एल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, एल्किल ग्रुप का नाम लिखते हैं। देन इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप होगा ट्राइवियल नोमेनक्लेचर के अंदर, सेकेंड स्टेप होगा हमारा, जैसे हम यहाँ एल्कोहल की बात कर रहे हैं, यहाँ हम एल्कोहल की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो हमारा कुछ और लगता। तो देखिए, यहाँ पे प्रत्यय, जिसे हम क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, इसे हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। तो सफिक्स हमेशा क्या लगेगा, मतलब इस एल्किल ग्रुप के बाद के अंदर, एल्किल ग्रुप का नाम लिख देंगे और उसके सफिक्स, उसके बाद में प्रत्यय के फॉर्म में हम क्या लगाएंगे, एल्कोहल के लिए एल्कोहल लगाएंगे। किसके अंदर लगाएंगे, ट्राइवियल सिस्टम के अंदर। अगर कोई भी OH ग्रुप वाला समूह दिया हुआ है तो सबसे पहले एल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे, किसके अंदर, ट्राइवियल सिस्टम के अंदर, अगर वो ट्राइवियल में पूछ रहा है तो सबसे पहले एल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे। देन इसके बाद इसका प्रत्यय लगाएंगे और प्रत्यय में हमेशा क्या लिखेंगे, एल्कोहल लगेंगे, एल्कोहल लिखेंगे, पूरा एल्कोहल लिखेंगे इसी टाइप से। जबकि IUPAC में ओल लगता है, ध्यान रखना ये, तो इसके अंदर क्या लगाएंगे, टोटली पूरा एल्कोहल लिखाएंगे, ओल एल्कोहल लिखेंगे। अगर यहाँ पे सपोज कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता तो क्या लिखते, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखते। अगर एल्डिहाइड ग्रुप होता तो टोटली एल्डिहाइड ग्रुप, पूरा नेम लिखते, किसके अंदर, ट्राइवियल सिस्टम के अंदर। ठीक है, ट्राइवियल सिस्टम के अंदर। अब इसका थर्ड स्टेप होगा हमारा, स्टेप नंबर थर्ड को फॉलो करेंगे, जिसके अंदर हम लगाएंगे उपसर्ग। ठीक है, अगर उपसर्ग प्रेजेंट है तो, अगर उपसर्ग प्रेजेंट है तो प्रीफिक्स बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे इसे, प्रीफिक्स, इसे क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में देखिए एन भी लग सकता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अगर कोई कार्बन की चेन है और वो चेन क्या स्ट्रेट है, लाइक दिस, इस टाइप से अगर वो क्या है, कार्बन की लीनियर चेन है, लीनियर चेन है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब हो गया ये मिड नेम होगा आपका, ये मिड नेम, इस मिड नेम के बाद में आप क्या लगाएंगे, एल्कोहल, और इस मिड नेम से पहले आप क्या लगाएंगे, ये चीज़ें लगाएंगे। और ये कैसे कैसे, कब कौन सी चीज़ आएगी वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अगर कार्बन की इस टाइप से चेन प्रेजेंट है तो क्या लगता है, हमेशा नॉर्मल, आप पढ़ भी चुके हैं वैसे, नॉर्मल। और देन आइसो भी लग सकता है, आइसो भी लग सकता है, या फिर नियो भी लग सकता है, नियो भी लग सकता है, द्वितीयक भी लग सकता है, और तृतीयक भी लग सकता है, द्वितीयक या फिर तृतीयक। इसे बोलेंगे सेकेंडरी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेकेंडरी, और इसे बोलते हैं टर्शियरी, टर्शरी कार्बन। ठीक है, और इसे आइसो लिखते हैं, ये आप जानते ही हैं, इसे नियो लिखते हैं, ओके, एंड इसे नॉर्मल एन से शो करते हैं। ठीक है, तो अब देखना है ये एक, अब हमें ये देखना है कि इनमें से, ठीक है, अल्कोहल तो सिर्फ एक सिंगल फॉर्म में है, मतलब एक ही नाम है, तो हम अल्कोहल ऐड कर देंगे लास्ट के अंदर, एल्किल ग्रुप का नाम लिख देंगे और अल्कोहल ऐड कर देंगे। लेकिन हमारे जो प्रीफिक्स है, उपसर्ग है, वो बहुत सारे हैं, तो इनमें से देखिए कब कौन सा लगेगा। एन कब लगता है, जब कार्बन की एक लंबी चेन हो इस टाइप से, अगर इस टाइप से चेन प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन की कोई आपका एल्काइल ग्रुप क्या नहीं है,
प्रतिस्थापी समूह के रूप में, सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में नहीं है, प्रतिस्थापी ग्रुप के फॉर्म में नहीं है, तो हमेशा क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। लेकिन अगर सेकेंड नंबर कार्बन पे, हमेशा याद रखना आइसो कब लगता है, जब सेकेंड नंबर कार्बन से जब हम चेन का सिलेक्शन करते हैं, तो इस सिलेक्शन के चेन में सेकेंड नंबर कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमेशा क्या लगेगा, आइसो लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक ही CH3 प्रेजेंट है तो आइसो लगा देंगे, लेकिन अगर इस कार्बन पे, सेकेंड नंबर कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या लगाएंगे, नियो लगाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब बात करते हैं द्वितीयक और तृतीयक की, कि द्वितीयक और तृतीयक कब लगेंगे। ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी। अब देखिए, अगर मैंने आपको बताया था सेकेंडरी और 2 डिग्री 1 डिग्री, तो अगर OH ग्रुप, ये OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से, मतलब 2 डिग्री कार्बन से, ये कार्बन देखिए, ये OH ग्रुप है, ये इससे बाइंड है, और ये कार्बन 2 से बाइंड है, तो ये कैसा हो गया, सेकेंडरी एल्कोल हो गया हमारा, द्वितीयक एल्कोल हो गया। अगर ये OH ग्रुप इस कार्बन से बाइंड ना होके, मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है, ये तो हो गया द्वितीयक, अगर इसकी स्ट्रक्चर इस कार्बन की, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती, और यहाँ पे OH ग्रुप बाइंड होता, मतलब कि ये कार्बन कैसा हो गया, 3 डिग्री कार्बन हो गया। अगर 3 डिग्री OH से बाइंड, 3 डिग्री कार्बन से OH बाइंड है, तो वो कैसा होगा, वहाँ पे उपसर्ग क्या लगेगा, तृतीयक लगेगा। किसके अंदर, ट्राइवियल सिस्टम के अंदर, रूट नाम पद्धति के अंदर। और अगर वो सेकेंडरी से बाइंड है, द्वितीयक 2 डिग्री कार्बन से बाइंड है, तो क्या लगाएंगे, द्वितीयक लगाएंगे। अब एक एग्जाम्पल लेके हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके इसे समझ लेते हैं, बहुत आसान है, सबसे टफ नॉमेनक्लेचर यही पड़ता है, और सबसे इजी ट्राई IUPAC पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले एल्काइल ग्रुप लिखेंगे, देन इसके बाद प्रत्यय हम लोग क्या लगाएंगे, एल्कोल लगाएंगे, और उपसर्ग में क्या लिखेंगे, नॉर्मल। तो देखिए, अगर इसकी एक टोटल फॉर्म बनाऊं मैं नॉमेनक्लेचर की, टोटल फॉर्मेशन करूं, तो सबसे पहले तो हमारा क्या लगेगा, उपसर्ग लगेगा। उपसर्ग के बाद में क्या लिखेंगे, एल्किल ग्रुप लिखेंगे यहाँ पे। अब एल्किल के अंदर एल्केन, एल्किन, एल्काइन कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रत्यय लगाएंगे। ये हमारी फॉर्म हो गई किसकी, ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर के अंदर गिवन कंपाउंड की, गिवन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर लिखने की एक प्रोसेस हो गई है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, और उस एग्जाम्पल से हम लोग कोशिश करते हैं, नोट कर लीजिए आप। देखिए, ट्राइवियल सिस्टम, देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। CH3OH इस ग्रुप का हमें क्या करना है, ट्राइवियल सिस्टम लिखना है आपको, ना तो इसके अंदर व्युत्पन्न बताना, ना ही इसके अंदर IUPAC, वो क्या पूछ रहा है, ट्राइवियल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका, इसके अंदर कोई भी उपसर्ग प्रेजेंट है, नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एल्काइल ग्रुप और डायरेक्ट OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो उपसर्ग तो हमारा है नहीं, तो यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे, एल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे। ये हमारा R ग्रुप है, और ये R ग्रुप क्या है हमारा, देखिए रेडिकल का फॉर्मेशन भी मैं बताऊंगी, जैसे CH4 है, CH4 क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं मैथेन, क्या बोलेंगे इसे, क्या बोलते हैं, मैथेन। ठीक है, अगर इस मैथेन से अगर एक हाइड्रोजन का रिमूव हो जाता है, एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, रिप्लेस हो जाता है, तो इसके अंदर एक वैलेंसी खाली हो जाएगी इस कार्बन की, तो ये जो ग्रुप बचेगा, इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, इल लग जाएगा, मैथिल। मतलब कि हमेशा याद रखना, अगर कोई भी एल्किन ग्रुप और एल्काइल ग्रुप दिया हुआ है, और उसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, रेडिकल का फॉर्मेशन इसी टाइप से होता है, तो अगर एक हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो हमेशा क्या ऐड होता है, नेम के अंदर क्या ऐड होता है, इल लगता है, क्या लगता है, इल लगता है। अगर इल लगता है,
अगर यहाँ से इससे दो हाइड्रोजन का रिमूव करूँ, चाहे इससे एक और आगे स्टेप, एक स्टेप और बढ़ा दूँ मैं, या तो इससे डायरेक्ट मैं क्या करूँ, दो हाइड्रोजन को रिमूव कर दूंगी, माइनस टू हाइड्रोजन रिमूव कर दूंगी, तो ये हमारी स्टेप आ जाएगी, या फिर एक हाइड्रोजन को रिमूव किया देन तब ये वाली स्टेप आई। अब मैं इससे एक हाइड्रोजन और रिमूव करूं इस मिथाइल ग्रुप से, तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड क्या बचेगा, हमारा जो फॉर्मूला बचेगा वो क्या बचेगा, CH2, और इसकी दो वैलेंसी खाली होगी, किसकी, कार्बन की। ठीक है, तो अगर दो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, दो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, या फिर एक हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद, या फिर एक एल्किल एल्किल ग्रुप बनने के बाद एक हाइड्रोजन और रिमूव होता है, तो हमेशा सफेद जो एडिशन होता है इसके पीछे जो लगता है वो क्या लगता है, हमेशा इलीन लगता है। क्या लगता है, इलीन लगता है, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे इससे बनने वाला ये क्या, इसका नाम क्या हो गया, मैथिलीन। ये क्या हो गया हमारा, मैथिलीन, इस टाइप से। और इसी टाइप से हमारे रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ये मैं अभी पढ़ाऊंगी आपको, जस्ट इसके बाद में ट्राइवल नोमेनक्लेचर हो जाए या फिर बीच में आएगा तो मैं पढ़ाऊंगी ये आप लोगों को। तो यहाँ से देखिए, हमेशा याद रखना, अगर एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो इल लगता है, और दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं तो इलीन लगता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कार्बन है, अगर यहाँ पे दो कार्बन बाइंड होते तो फिर कंडीशन अलग हो जाती, यहाँ इस वाली कंडीशन में। ठीक है, तो वो भी मैं पढ़ाऊंगी, पहले आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो बताइए, इस ये जो ग्रुप एल्किल ग्रुप है, इस एल्किल ग्रुप का मैं नाम क्या लिखूंगी, यही लिखूंगी। देखिए, CH3 और एक वैलेंसी खाली है, CH3 और एक वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, एल्किल ग्रुप का नाम क्या लिखूंगी, मैथिल। ओके, और मैंने आपको बताया OH ग्रुप का क्या लगाना है हमें, सफिक्स क्या लगाना है हमें, एल्कोहल। तो ये हमारा नोमेनक्लेचर क्या हो गया, मैथिल एल्कोहल। ओके, इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, अगर जैसे सपोज मैं इसी के अंदर ही CH2 वाला भी बताना चाहूंगी आपको, देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज ये फॉर्मूला ये वाला दिया हुआ होता, मतलब कि यहाँ पे क्या गिवन होता, हमारा एथेन दिया हुआ होता, एथेन दिया हुआ होता। ठीक है, एथेन दिया हुआ होता। अब चाहे मैं इस हाइड्रोजन से, इस कार्बन के हाइड्रोजन से, ये इस कार्बन के पास थ्री हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन का रिमूव करूँ, चाहे इस कार्बन से एक हाइड्रोजन का रिमूव करूँ, दोनों का जो फॉर्मूला बनेगा वो सेम बनेगा, मतलब कि इसका एनवायरमेंट, दोनों का एनवायरमेंट सेम है। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए अगर एक हाइड्रोजन का यहाँ पे रिमूव होता है तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकले चाहे यहाँ से निकले, दोनों में बनने वाला फॉर्मूला सेम ही रहेगा। मैं यहाँ से बाहर निकाल देती हूँ CH2, मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन का रिमूव कर दिया, और यहाँ पे मुझे, मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे अगर ये वाली प्रोसेस हो रही, एक हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो हमें क्या ऐड करना है, इल ऐड करना है इसके नाम में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये एथेन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। ये क्या हो जाएगा, एथिल। अब यहाँ से दो स्टेप बन सकती है, सेकेंड निकलने वाला जो हाइड्रोजन है वो सेकेंड वाला हाइड्रोजन या तो इससे निकले या फिर इससे निकले। भाई इससे निकलेगा तो एनवायरमेंट अलग होगा, दोनों से निकलेगा तो अलग अलग टाइप के कंपाउंड बनेंगे, दो कंपाउंड बनेंगे, जबकि यहाँ से तो चाहे यहाँ से निकले चाहे यहाँ से निकले यही कंपाउंड बनेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये CH3CH2 बनेगा, और CH3CH2 है ही सही, तो मतलब कि इससे एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यही फॉर्मूला बनेगा। लेकिन जब सेकेंड हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन हमें प्राप्त हो रही है, कौन कौन सी, या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकले या फिर हाइड्रोजन यहाँ से निकले। तो देखिए सबसे पहले मैं हाइड्रोजन का जो रिमूव कर रही हूँ वो यहाँ से कर रही हूँ, ठीक है, तो हाइड्रोजन का रिमूव मैं यहाँ से कर रही हूँ, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा, CH2। देखिए यहाँ से तो एक हाइड्रोजन का रिमूव कर दिया और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एक वैलेंसी खाली है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर निकलने वाला सेकेंड हाइड्रोजन अगर पहले वाला जहाँ से हाइड्रोजन निकला था वहाँ से ना निकल के दूसरे वाले कार्बन से लगता है तो हमेशा क्या लगता है, इलीन लगता है। क्या लगता है, इलीन। देखिए वहाँ पे तो मेथेन में तो एक ही कार्बन था तो कोई फर्स्ट सेकंड कार्बन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, कोई कॉम्पीट नहीं था वहाँ पे, कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, एक ही टाइप का बन रहा था हमारा कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे दो टाइप की कंडीशंस हो गई तो यहाँ पे क्या लगेगा, तो इसका जो नेम होगा, इसका नेम क्या हो गया, एथी इलीनेड होगा, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसे इलीन। तो यहाँ पर क्या लगेगा, एथी
लीन, तो ये क्या हो गया एथिलीन। लेकिन अगर हाइड्रोजन आप कहेंगे नहीं मैडम हाइड्रोजन यहाँ से निकालना है, ठीक है अगर यहाँ से निकालते हैं तो फिर हमारा जो रेडिकल बनेगा वो रेडिकल बनेगा हमारा CH, और यहाँ पे हमारी क्या दो वैलेंसी खाली होगी, मतलब दो हाइड्रोजन रिमूव हुई हमारे, तो तब इसका नाम चेंज हो जाएगा, फिर ट्राइवियल सिस्टम के अंदर नाम चेंज हो जाएगा इसका, और इसका नाम क्या होगा एथिलीडीन, मतलब कि इसके अंदर इलीन लगेगा, इसके अंदर क्या लगेगा इलीडीन लगेगा, और ये क्या हो जाएगा एथिलीडीन। ये फॉर्मूला क्या हो गया एथिलीडीन। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला बताइए, एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला बताइए, तो आप क्या करेंगे यहाँ से OH लगा देंगे, यहाँ पे OH लगा देंगे, या फिर इससे क्या करेंगे एक OH यहाँ लगा देंगे, एक OH यहाँ लगा देंगे, तो एथिलीन बन जाएगा। और अगर यहाँ से हमने टू वैलेंसी खाली कर दी एक ही कार्बन से, तो वो क्या बन गया एथिलीडीन, ठीक है। तो एथिलीडीन डाइक्लोराइड का फॉर्मूला पूछे तो यहाँ से Cl बाइंड कर दीजिए, OH ग्रुप का पूछे तो फिर OH बाइंड कर दीजिए। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं रेडिकल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल ही देखा है, इसके नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करना, ये मैंने मेथेन तक बताया, देन इसके आगे ब्यूटेन प्रोपेन, ब्यूटीन और प्रोपीन का आप करेंगे, मैं भी पढ़ाऊंगी कल, और कोई प्रॉब्लम आती तो पूछ लेना फिर।